अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल अलीम खसवा सेवा न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर लोग क्या परेशान हाल में है। एक साथी मिले हुए हमारे नांदेड़ से ताल्लुक से रखने वाले, हम इससे बात करेंगे। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेरा गजेंद्र पाटिल जी। गजेंद्र पाटिल क्यों अभी कुछ जी 8 दिन से कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं है। आप यहाँ पर कितने दिन से वेट कर रहे हो? 8 दिन से पैसे नहीं जाने को, कुछ नहीं है, ना खा रहे, यहाँ पे सो जा रहे। डेली जो बांट रहे फूड चैरिटी से वो लोग का खाना खा रहे? 8 दिन से इनका ही खाना खा रहे जी। बिस्किट दे रहे, चपाती भाजी जी, हर एक चीज़ दे रहे, पानी दे रहे जी, बस। तो आप यहाँ पर कितने रेलवे स्टेशन पे जो दे रहा वही खा रहे? आपने पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन चालू है जी, वे इधर नाइट कर्फ्यू है जी। निज़ामबाद गए वहाँ नाइट कर्फ्यू चालू है, यहाँ यहाँ नाइट कर्फ्यू चालू है। 8 बजे के बाद पूरा महाराष्ट्र ये बंद है, मार्केट बंद है। खाएंगे सोएंगे किधर? लॉज में जाएंगे तो 200-300 रुपये पूछ रहे जी। पानी का बॉटल खरीदने को पैसे नहीं है जी। तो आप हैदराबाद में क्या काम करते थे और किसके पास काम करते थे? कैटरिंग काम करते सर जी। जो जिसके जिसके से नामपली गार्डन से जी। अब जिसके पास काम करते थे वो लोग जाने का टिकट, ट्रेन का टिकट का पैसा भी नहीं दिया क्या आपको? नहीं, आज कन्फर्म नहीं है किसके पास, अपन परमानेंट नहीं है जी। डेली जाना, डेली काम करना। देखिए यहाँ पर हैदराबाद पर लोग किस तरह से, खाने को खाना नहीं है, पीने को पैसा नहीं है, लोग बहुत परेशान हाल में है। हम गवर्नमेंट से ये इत्तला करते हैं कि ऐसे माइग्रेंट्स के लिए डेली खाने पीने का इंतज़ाम करिए। फिर लॉकडाउन होने का भी डर है पब्लिक को, आवाम को, और हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्रेन के टिकट का पैसा भी इंतज़ाम करिए और डेली खाने पीने का, चैनल का जो भी इंतज़ाम है जो भी करिए। मैं अब्दुल अलीम खसवा से वन चैनल हैदराबाद। कहाँ पर जाना है?